हम बहुत कृतज्ञ हैं गुरुदेव आचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के। बनारस को पदार्थ और चेतना के अनेकानेक स्तरों पर विकास की जरूरत है, विकास के मुहावरे की जरूरत नहीं है और विकास के पर्दे में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। काशी के भीतर रहने वाली काशी का जैसा सांगोपांग, जैसा पूरे का पूरा चित्र, जैसी पूरी की पूरी फिल्म हम लोगों ने देखी है, वो वाकई एक वर्चुअल टूर पर हम गए थे, जिस टूर की चर्चा अपने भाषण में हारून रशीद साहब ने की थी, जो आदि केशव से शुरू हुआ था राजघाट से। वो टूर दरअसल बाद में चलकर हम लोगों ने स्वामी जी के भाषण में किया है और ये इतना अंतर्दृष्टि संपन्न वक्तव्य था इसके लिए और इस पूरी वैचारिक गहमा गहमी के लिए हम सबसे पहले स्वामी जी के, मौलाना अब्दुल बाकी नोमानी साहब के, हारून रशीद साहब के, फादर गैब्रियल के, आदरणीय बौद्ध भिक्षु जी के, श्री राजेंद्र सिंह जी के और प्रोफेसर दीपक मलिक साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। हम सब यहाँ उपस्थित जनसमूह, PVCHR के साथी, बना रहे बनारस और बुनकर दस्तकार अधिकार मंच, अपने सभी आदरणीय अतिथियों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि वे आएं और मंच के सामने का आसन स्वीकार करें। हमारे युवा गायक स्वामी जी के शिष्य आशीष मिश्रा जी शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करेंगे। स्वामी जी के ही आशीर्वाद से ध्वनि के इंतजाम में लगे हुए लोगों से गुजारिश है कि वे मंच खाली कर दें। आशीष मिश्र के साथ, आशीष बनारस घराने के पंडित बड़े रामदास जी के परिवार के सुयोग्य, सभी लोगों से अनुरोध है कि वे बैठ जाएं, कहीं जाए नहीं, कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, अभी गायन होने वाला है, उसके बाद नाटक होने वाला है और उसके बाद एक जुलूस की शक्ल में हम सब लोगों को यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर तक चलना है और वहाँ से लौट के आना है। तो आप लोग कहीं जाइए मत, यहीं बैठ जाइए। रात्रिवाणी में एक रचना प्रस्तुत करेंगे जो एक ताल में निबंध है, शब्द है, तोरे बिना मोह चैन न पड़त ब्रज के नंद लाल।
Oh,
सजनी छाई घटा कर ओ
मोर सजने छाए घटा दादुर मोर पपीहा बोले दादुर मोर पपीहा बोले कोयल कर रही सोर कोयल कर रही सोर सजनी छाई घटा घर मोर सजनी छाई घटा सजनी छाए घटा घन घोर सजनी छाए घटा घन घोर सजनी छाए घटा घन हमारी तुम्हारी प्रीत है है मोहन हमारी तुम्हारे प्रीत है मोहन हमारी तुम्हारी प्रीत है मोहन हमारी तुम्हारी प्रीत है मोहन जैसे चंद्र चकोर सजनी छाए घटा एक झूला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इसके झूला से झूला झूला
अरे सावरिया ना झूला फिर से झूलाओ पानी, अरे सावरिया ना जोर से झूला कबीर का पद आपके सामने। साधु भूखा भा
I'm not afraid.
अभिभूत और आह्लादित हैं आशीष मिश्रा जी, अनीश दिनेश मिश्रा जी को अपने बीच पाकर। ये सिलसिला जो सुबह शुरू हुआ था वैष्णव जनते तेने कहिए से, हम एक बिल्कुल संगीत प्रेमी समाज के बीच में नहीं हैं इस विडंबना के साथ, लेकिन हम सबसे अधिक इसी बात से कृतकृत्य हैं कि हमने अपने संगीतकारों को सुनने की प्यास के साथ ख़त्म किया है अपना कार्यक्रम हर बार। वो बाकी है, हिंदी के कवि हैं अशोक वाजपेयी, उनके कविता संग्रह का नाम है शहर अब भी संभावना है। अगर इस नाम को बदल दिया जाए तो आज जो भी संगीत यहाँ हुआ है वो आगे हमेशा एक संभावना है। वो उसका परिचय हमें मिला बनारस की विरासत के रूप में संगीत का। इसके आगे यहाँ जो लोग मौजूद हैं इस परिसर में कबीर मठ के, उन सब लोगों से हमारा निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी अपने काम धाम संपन्न करके दर्शक दीर्घा में आ जाएं का। और कथा की परिकल्पना है फादर आनंद की, प्रेरणा कला मंच की प्रस्तुति। प्रेरणा कला मंच खास तौर पर अपने नुक्कड़ नाटकों के लिए एक जाना पहचाना नाम है। एक छोटा सा मजमून है मेरे पास इस नाटक के बारे में पढ़ने के लिए, बल्कि अच्छा ये हो कि मैं फादर को ही आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का तारुफ कराएं।